नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। गायत्री पब्लिक स्कूल रेवतीगंज का 11वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि सपा नेता अनूप सिंह ने बच्चों के प्रदर्शन से अभिभूत होकर कहा कि शिक्षा से न केवल निजी तौर पर बच्चों का अपितु एक इंसान का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप हम एक संपन्न और भव्य राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। विशिष्ट अतिथि कवित्री आदिका भारद्वाज ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नन्ही कवित्री की रचना ने उपस्थित लोगों के अंतः मन को झकझोर दिया। विशिष्ट अतिथि सपा जिला महासचिव बख्तियार खान ने उपस्थित लोगों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाएं, जिसके फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी का भी उत्थान संभव है। सरस्वती वंदना और वेलकम सॉन्ग के साथ बच्चों ने दर्जनों शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम और डांस प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को एकचित्त कर वाहवाही लूटी। कर्मठी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों ने झांसी की रानी नाट्य के माध्यम से आज़ादी के वीर सपूतों को याद किया तो आईना, अंधेर नगरी, रिश्ते का बोझ, लुका छुपी, चाइल्ड लेबर आदि नाट्यों के माध्यम से समाज और परिवार में व्याप्त बुराइयों को आईना दिखाया। इसके साथ बच्चों ने विभिन्न कॉमेडी थीम डांस और प्ले के माध्यम से उपस्थित लोगों को जम के हंसाने के साथ साथ पंजाबी, हरियाणवी और होली के साथ विभिन्न नृत्यों पर भी अभिनय किया। संचालन विद्यालय के बच्चों आशुतोष तिवारी, सोनाली यादव, अज्ञा तिवारी, अंजलि सिंह, आकर्ष पाल और सुशांत पांडे ने किया। इस दौरान गायत्री देवी के यम सुगर मिल के जीएमएन सिंह, पवन तिवारी, पंकज शुक्ला, घनश्याम त्रिपाठी, अखिलेश तिवारी, विनोद तिवारी, प्रीतम तलरेजा, अतुल पांडे, राजू दुबे, अवधेश सिंह, जगदीश पाठक, राम प्रकाश यादव, पवन मिश्रा, राजा राम विश्वकर्मा, ज्ञानी यादव, अज्ञेश विक्रम सिंह, उमाशंकर तिवारी, सती राम यादव, विकास सिंह आज मौजूद रहे। प्रबंधक उमाशंकर शुक्ल, उप प्रबंधक रामाशंकर शुक्ल, प्रभा शंकर शुक्ल और प्रधानाचार्य शिखा दुबे ने उपस्थित सभी गणमान्यों का आभार प्रकट किया। इंडिया समाचार रिपोर्टर दाता देन यादव की खास रिपोर्ट।